नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात ठाणे महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां से होकर जाती है। कल्याण का एक उपनगर है विट्ठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंके अपने बड़े भाई कंचन सालुंके के साथ परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक चंचल शोक हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुंके ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश सालुंके और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे वृषाली ने वहीं पास में रहने वाले जगदीश सालुंके के मामा नंदलाल सौदाणे को फोन किया। वो घबराई हुई लग रही थी। फोन नहीं, बहू वृषाली ने किया था। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वृषाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामा जी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, चोरों ने जगदीश को मार दिया है, प्लीज मामा जी आप जल्दी घर पर आ जाए। ये सारी बातें वृषाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थी। नंदलाल ने वृषाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वो तुरंत उसके घर पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंके रहता था। नंदलाल ने ये जानकारी कांचन को भी दे दी। वो भी अपने मामा के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। थोड़ी सी देर में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंके के जान पहचान वाले और नाते रिश्तेदारों की भीड़ भी एकत्र हो गई। उनकी नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुंके बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुंके की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुंके के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुंके और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पासी गुलाबराव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश सालुंके को डॉक्टर भुजबल के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुंके की स्थिति देखकर उसे रुक्मणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। रुक्मणी बाई अस्पताल के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद SI SS तड़वी 2 कांस्टेबलों के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर PI साहू राजे सालवे को भी दे दी थी। अस्पताल पहुंचकर वो अभी मृतक के परिवार से पूछताछ कर ही रहे थे कि उसी समय थाने के DCP संजय शिंदे भी वहां पर आ गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुंके के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर PI साहू राजे सावले ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जगदीश सालुंके का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद वो सीधे घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुंके की हत्या की कड़ियों में कई पेच नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था। मामले की तह में जाने के लिए जगदीश की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था, लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर PI साहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने बुलवाया और मामले की तफ्तीश PI मधुकर भोंगे और API सुनीता राजपूत को दे दी। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वो सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वो घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वो पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर चोर ले गए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल को फोन पर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वृषाली के बयान पर धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ
मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक विरसाली पर चला गया। वो सीधे सीधे पुलिस के रडार पर आ गई। जगदीश सालुंके के परिवार वालों ने भी उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार विरसाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के पहले वो दो बार जगदीश सालुंके से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। ये शादी उसे उसके घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जब इन बातों की सच्चाई जानने के लिए विरसाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वो कुछ इस तरह फंसी कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 23 साल का जगदीश सालुंके स्वस्थ सुंदर युवक था। वो मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंके सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ दो बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुंके की शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोलसेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंके पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुंके अपनी खेतीबाड़ी और दुकान से परिवार की गाड़ी पूरी जिम्मेदारी से चला रहे थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गाँव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वो अपने भाई कांचन सालुंके और भाभी के साथ रहने लगा। जल्द ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुंके ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड़ के रहने वाले ठाकरे परिवार की विरसाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 साल की विरसाली अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। विरसाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वो चंचल और हसमुख भी थी। जगदीश को वो पहली नजर में भा गई थी। विरसाली के घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया, इसलिए ठाकरे परिवार विरसाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश और विरसाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर विरसाली और जगदीश की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के जमाने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ विरसाली और जगदीश के साथ भी हुआ। विरसाली और जगदीश भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश विरसाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली विरसाली 6 महीने में ही जगदीश से बोर हो गई थी। विरसाली को एक सीधा साधा नहीं हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले विरसाली ने जगदीश को फोन करके मुंबई के दादा रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बुझे मन से कहा कि वो उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बनना चाहती, क्योंकि दोनों के आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो वो खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वो शादी से इनकार कर दे। विरसाली के इस बात से जगदीश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वजह यह कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने ये बात विरसाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सोच रहे। विरसाली के इस धमकी से जगदीश बुरी तरह डर गया। उसने विरसाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब विरसाली के घर वालों को लगी तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने विरसाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में विरसाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश के परिवार वालों को विरसाली की बातों पर यकीन नहीं था। वो विरसाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में विरसाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वो शादी की तैयारी में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर विरसाली जगदीश सालुंके से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुंके को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुंके को वो पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वो अपनी शादी के लिए टाल मटोल कर रही थी।
शादी के सप्ताह भर पहले विरसाली ने जगदीश सालुंके को एक होटल में बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, कोर्स करके पहले अपना कैरियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी, तब तक के लिए वो शादी की तारीखों को आगे बढ़वा दे, जब कैरियर बन जाएगा तो शादी तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश ने वृशाली को समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, ये बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती हो, मुझसे ये सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुंके के इस रवैये से वृशाली जल भुनकर रह गई। इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना था। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर जाने के बाद वो सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकाला वो काफी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वृशाली और जगदीश की शादी को लेकर उत्साहित थे। वृशाली की शादी हो रही थी, इस बात को लेकर उसकी सहेलियां और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वो सब वृशाली से शादी की बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वृशाली आजकल कहकर टाल रही थी। वृशाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इसमें खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया था। वृशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वृशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया। उस खाने में वृशाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था। अंततः 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वृशाली ठाकरे और जगदीश सालुंके की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश तो बहुत खुश था और वृशाली के सारे गिरे शिकवे भूल गया था, लेकिन वृशाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे वृशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वो बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में किराए का एक फ्लैट लेकर वृशाली के साथ रहने लगा। वृशाली यही चाहती थी कि कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो गई। वो सारा सारा दिन मोबाइल फोन से चिपकी रहती थी। जगदीश जब इस पर एतराज करता तो वो उससे उलझ जाती थी। बात आगे ना बढ़े इसके लिए जगदीश खुद ही चुप हो जाता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वो भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालुंके के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आजादी के लिए वृशाली ने जो रास्ता चुना वो सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वृशाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश से प्यार भरी बातें की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले कि वो उठकर बाथरूम में जाता, वृशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोट दिया। वृशाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सोदाने को फोन कर दिया। वृशाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वो एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकल पाना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम ने वृशाली सालुंके से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ पति के नापसंद होने का था या फिर हकीकत कुछ और ही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।